हेलो एवरीवन, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, जिसमें हमने दो कंडीशन देखी थी। द फर्स्ट वन इज द हेट्रोगेमेटिक मेल एंड सेकेंड वन इज द हेट्रोगेमेटिक फीमेल, ठीक है, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल कंडीशन देखी थी कि कौन कौन सी होगी। अभी हम एक टेबल बनाएंगे, कंपेरेबल टेबल उन दोनों की, कि जिसमें हम हेट्रोगेमेटिक मेल और हेट्रोगेमेटिक फीमेल के एग्जाम्पल और उनके मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। एक बार हम ये पूरा पढ़ चुके हैं, इसको कंपेयर करके एक बार हम फिर से देखते हैं कि क्या क्या चीज है। तो देखिए, हमें जो टेबल बनानी है उसमें हमें कौन कौन सी चीजें मेंशन करनी है, वो चीज देखिएगा। फर्स्ट वन इज द टाइप, हमें किस टाइप के बारे में बात करनी है, ठीक है। टाइप में दो आ जाएंगे, द फर्स्ट वन इज द हेट्रोगेमेटिक मेल, तब मेल क्या था, हेट्रोगेमेटिक नेचर का था। और दूसरी कंडीशन क्या जाएगी, दैट इज व्हेन फीमेल वाज हेट्रोगेमेटिक, ये था। हमने दो कंडीशन पढ़नी है, एक बार तो वो जिसमें मेल हेट्रोगेमेटिक है, यानी दो अलग अलग तरह की गैमेट बनाएगा, और दूसरी कंडीशन वो जिसमें फीमेल हेट्रोगेमेटिक नेचर का होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें यहां पर डील करना। इस टाइप वाले में और हमें क्या क्या करना है, इसमें देखिए हम बोले कि सिस्टम है ना, कि सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सिस्टम का मतलब यहां पर देखो, जो एक में मेल में क्या था, एक्स ओ कंडीशन बताई थी, और एक मेल की कंडीशन में कौन सी बताई थी, एक्स और वाई कंडीशन बताई थी। एक में जो मेल था वो कैसा था, एक्स ओ या फिर जीरो था, और एक में जो मेल था वो कैसा था, एक्स वाई कंडीशन था, ठीक है। ये दोनों, अब उसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर गैमेट्स क्या क्या बनेंगे, गैमेट्स की बात करते हैं, और लास्ट वन हम बात कर देंगे जायगोट, कि जायगोट किस किस टाइप के बनेंगे। इधर हम बात कर लेते हैं अबाउट जायगोट, ठीक है। जायगोट देखिए, गैमेट में भी दो टाइप आ जाएंगे, कौन कौन से आएंगे, एक तरफ तो बनेगा स्पर्म और एक तरफ क्या बनेगा, एग बनेगा। तो यहां पर स्पर्म और एग की फॉर्मेशन। जायगोट में भी दो तरह के बन सकते हैं, मेल और फीमेल बन सकते हैं, क्लियर होगा शायद। तो हमें यहां पर इन सब की कम्बिनेशन एक साथ में देख लेना, तो ये आपकी एक टेबल हो जाएगी जिसमें आप हर एक कंडीशन को इजीली डील कर पाओगे। देखिए, हेट्रोगेमेटिक मेल जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम था और दूसरा क्या था, एब्सेंट, इसमें जो आपका एग्जांपल आएगा कि किस किस में मिलेगा, एग्जांपल आ जाएगा ग्रास ऊपर में आ जाएगा और डिस्क और एक अंदर जाएगा, ग्रास ऊपर और डिस्क और एक अंदर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन और क्या हो गई, अगर आप और एग्जांपल की इधर बात करना चाहो तो स्पेस थोड़ा सा कम रहेगा, वरना मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। ग्रास ऊपर हो गया है, डिस्कोरिया हो गया है, राउंड वर्म हो जाएगा, एस्केरिस कल हमने देखा था वो आ जाएगा, प्लांट है वेलिसनेरिया वो प्लांट आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं लिख रहा वरना कंजेस्टेड हो जाएगा। अब इसमें देखो, जो स्पर्म बनेगा, स्पर्म कैसा बनेगा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम का बनेगा, तो प्लस में क्या बनेगा, एक में एक्स क्रोमोसोम आएगा। दूसरा जो स्पर्म बनेगा ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और दूसरे में क्या जाएगी, जीरो कंडीशन। दोनों की परसेंटेज कितनी रहेगी, इक्वल इक्वल रहेगी, दैट इज 50-50% ही बनेंगे, दोनों की अमाउंट दोनों के नंबर कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। एग 100% कैसा बनेगा, सेम कंडीशन का बनेगा, भाई एग में क्या कंडीशन होगी, एक्स एक्स कंडीशन होगी ना, तो यहां पर जो एग बनेगा वो बनेगा आपका ए प्लस ऑटोसोमल प्लस एक्स, यानी कि 100% यही बनेगा। तो वन टाइप ऑफ गैमेट की फॉर्मेशन होगी, इधर मैं लिख रहा हूं वन टाइप ऑफ गैमेट, एक ही टाइप की गैमेट की फॉर्मेशन। अब जो मेल जायगोट बनेगा उसमें क्या कंडीशन हो जाएगी, अगर ये वाला जाके जुड़ेगा तो मेल की फॉर्मेशन होगी, तो मेल में आ जाएगा ऑटोसोमल प्लस में एक्सो कंडीशन, तो ये बनेगा मेल।
फीमेल में क्या कंडीशन हो जाएगी, तब ये वाला इसके साथ में जुड़ेगा तो बन जाएगा आपका ऑटोसोमल प्लस में एक्स एक्स कंडीशन बनेगी। तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मेल हेटरोगेमेटिक था, दो कंडीशन थी हेटरोगेमेटिक में, पहले एक में एक्स फाइव थी और एक में क्या थी एक्स जीरो। तो पहले हमने एक्स जीरो की कंडीशन देखी है, एक्स जीरो की जो कंडीशन मिलेगी वो किस में मिलेगी, राउंड वर्म में मिलेगी, ग्रास ऊपर में मिलेगी, कॉकरोच में मिलेगी और वैली स्नेरिया प्लांट में मिलेगी। इस टाइप को, ये जो टाइप है, जिस टाइप इन्होंने द प्रोटीनर टाइप भी इसको हम बोलते हैं, आल्सो नोन एज द प्रोटीनर टाइप, आल्सो नोन एज द प्रोटीनर टाइप भी इसको बोलते हैं। अभी दूसरी कंडीशन है, दैट इज एक्स वाई कंडीशन, हेटरोगेमेटिक कंडीशन। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें किस किस में मिलेगा, तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा, दैट इज फेमस वन इज द ह्यूमन के अंदर है, इसके अलावा और किस में है, मेलेनड्रियम के अंदर है, मेलेनड्रियम, कोक्सिनिया है, सेलिक्स है, कुछ प्लांट वगैरह और एनिमल्स इनमें भी होगा। इसके अलावा एक खास एग्जांपल है इसमें, दैट इज द स्फीरोकार्पस, दैट इज द लीवर वोट, इसके अंदर फर्स्ट टाइम ये कंडीशन देखी गई, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं स्फीरोकार्पस, लीवर वोट है यानी कि ब्रायोफाइटा है, उसमें फर्स्ट टाइम ये कंडीशन देखी गई थी प्लांट में, तो फर्स्ट टाइम ये कंडीशन देखी गई। और इस एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं, लाइजियस टाइप भी बोलते हैं। कल हमने देखा था लाइजियस एक इंसेक्ट की टाइप थी, उसमें तो इसको हमने बोला प्रोटीनर टाइप बोला, एंड दिस वन इज द लाइजियस टाइप, ठीक है। आगे लिख दूं मैं स्पेस मैनेज करके। अब यहां पर देखो गैमेट क्या बनेंगे, इसको हम क्या बनेंगे भाई, ऑटोसोमल एक में क्या जाएगा एक्स, ऑटोसोमल एक में वाई, दोनों का रेशियो कितना रहेगा 50-50% ही रहेगा, सेम रहेगा। एग वही 100% क्या बनेगा, ए प्लस में एक्स 100%, जो फीमेल है वो सिर्फ वन टाइप ही गैमेट प्रोड्यूस करेगी, वन टाइप ऑफ गैमेट या फिर एग, एक ही टाइप के बनेंगे। अगर मेल प्रोड्यूस होगा तो उधर क्या जाएगा, ए ए प्लस में एक्स वाई कंडीशन, फीमेल आ जाएगा तो इसमें क्या कंडीशन आ जाएगी, ए ए और एक्स एक्स कंडीशन आ जाएगी, क्लियर हो गई है। तो इन दोनों के केस में देखिए जो फीमेल जो मेल है वो कैसे हैं, अलग अलग स्पर्म बनाने लग रहे हैं, अलग अलग स्पर्म बना रहे हैं, और तब की जो फीमेल है वो कैसी है, होमोगैमेटिक नेचर की है, एक ही टाइप की गैमेट की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो ये जो टाइप था, दिस वन इज द लाइजियस टाइप, पहले बता चुका हूं वैसे, ये एक बार फिर से लिख देता हूं, लाइजियस टाइप, ठीक। अभी देखिए दूसरी कंडीशन, अभी तक था मेल हेटरोगेमेटिक, अभी बात आ गई फीमेल तब हेटरोगेमेटिक की हो तो ये कंडीशन, अगर फीमेल हेटरोगेमेटिक हो जाएगा तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन, देखिए इसमें हम बोलते हैं कि फीमेल किस नेचर की हो जाएगी, अभी तक तो मेल की बात आ रही थी, अब इसमें जो फीमेल हो जाएगी, फीमेल का साइन है एक में जेड डब्ल्यू कंडीशन और एक में क्या आएगा आपका फीमेल जेड जेड सॉरी जेड ओ कंडीशन, ये कंडीशन। अगर आप एग्जांपल की बात करो कि किसमें क्या एग्जांपल मिलेंगे, तो देख लेते हैं, जो जेड डब्ल्यू वाली कंडीशन है ये मिलेगी किसमें, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, फिशेज में, इसके अलावा सिल्क वर्म में, और एक प्लांट है खास, दैट इज द फ्रेगरेरिया, ये प्लांट है जिसमें कंडीशन मिलेगी। तो यहां पर एग्जांपल लिख देता हूं मैं फ्रेगरेरिया, तो फ्रेगरेरिया दैट वन इज द प्लांट, प्लांट के अंदर ही कंडीशन मिलेगी, ठीक है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेगरेरिया वाला, जेड ओ कंडीशन, तब फीमेल दो तरह की एक बनाएगी, एक जेड और एक ओ, तो ये कंडीशन किसमें मिलेगी, तो एग्जांपल देखिए, इन केस ऑफ द बटरफ्लाई मोथ, प्लांट में ये कंडीशन क्या होगी, अब्सेंट है, प्लांट में कंडीशन क्या है, अब्सेंट, ठीक है। अभी देखो इसके केस में अगर हम स्पर्म की बात करें,
तो स्पर्म 50-50 बनेंगे फिर 100% बनेंगे। तो देखिए यहां पर है जेड ओ फीमेल की और जेड एक्स जेड डब्ल्यू कंडीशन है किसकी, फीमेल की। तो मतलब स्पर्म तो कैसे बनेंगे, 100% एक ही जैसे बनेंगे। तो यहां पर ए प्लस जेड स्पर्म दैट इज 100% एक ही जैसे, इसमें भी ए प्लस जेड 100% स्पर्म एक जैसे, ठीक है। इनके केस में जो स्पर्म है वो एक ही जैसे बनेंगे क्योंकि यहां पर जो मेल है वो कैसा होगा, होमोगेमेटिक होगा, मेल कैसा होगा, होमोगेमेटिक। यहां पर मेल हेटरोगेमेटिक था तो फीमेल कैसे हो जाएगी, होमोगेमेटिक नेचर की हो जाएगी, ठीक है। अगर अभी एग की बात करें तो एग यहां पर दो टाइप के बनेंगे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस में जेड कितने परसेंट, 50%। दूसरी कंडीशन ए प्लस डब्ल्यू 50% जो एग होंगे वो एक, तो यहां पर हो गई है जेड डब्ल्यू की कंडीशन। तो स्पर्म कितना था, 100% एक ही जैसे था, और जो एग बनेंगे वो दो टाइप के बनेंगे 50-50। अभी देखो जो मेल बनेगा, मेल की कंडीशन क्या जाएगी, ए ए ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस में कौन सी कंडीशन, दैट इज जेड जेड कंडीशन। और तब क्या, अगर हम फीमेल की बात करें तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस में जेड डब्ल्यू कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें जेड ओ कंडीशन में फीमेल है तो यहां पर एग तो 50-50% बनेंगे, स्पर्म कैसे बनेगा, 100% सेम ही बनेगा। तो यहां पर ए प्लस जेड कितना, 50%, और ए प्लस जीरो या फिर ओ 50%, ठीक है। कंडीशन यहां पर ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस में जेड जेड किसमें, मेल में। फीमेल में क्या कंडीशन आ जाएगी, ए ए ऑटोसोमल और प्लस में जेड ओ कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये हो गई पूरी की पूरी टेबल जो चारों फैक्टर को एक साथ में क्या करती है, कंपेयर कर लेती है कि किस में हम कौन कौन से टाइप पढ़ने लगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आई थिंक शायद आपको क्लियर हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, वो हम पढ़ते दैट इज हैप्लोडिप्लोइडी सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते, ठीक है। इससे पहले कल हमने एक पढ़ा था एनवायरमेंटल फैक्टर के पढ़ा था। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर कि अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट का जो नियम आ गया द बाल्जर, ठीक है, ये मैंने नहीं बताया था, अभी लिख दिया तुमने। एनवायरमेंटल फैक्टर डिटरमिनेशन में जो नाम आएगा डिस्कवर्ड बाय बाल्जर, ठीक है। ये कई बार मैचिंग करने में दे देते हैं, तीन चार साइंटिस्ट का नियम दे देते हैं और उन्होंने किस किस चीज को डिस्कवर किया था वो दे देते हैं। तो मैच करने के दौरान ये चीजें कुछ ले जाते हैं। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं दैट इज हैप्लोडिप्लोइडी सेक्स डिटरमिनेशन। ये जो टेबल है ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ से जो एग्जाम्पल बेस्ड हैं वो क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं, खास करके जो ये वाला कॉलम है सिस्टम वाला कि किस किस के एग्जाम्पल है वो यहाँ से पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हम आ जाते हैं दैट इज हैप्लोडिप्लोइडी सेक्स डिटरमिनेशन, थर्ड वन टाइप आ जाएगा। है तो वैसे क्रोमोसोम का टाइप, इसमें ले लेते हैं हैप्लो डिप्लोइडी सेक्स डिटरमिनेशन। तब सेक्स का डिटरमिनेशन हैप्लोइड और डिप्लोइड नेचर की वजह से डिटरमाइन हो उसको आप हैप्लो डिप्लोइडी सेक्स डिटरमिनेशन बोलते हैं। ये जो कंडीशन मिलती है दैट इज प्रेजेंट इन किस किस में मिलेगी, सबसे फेमस एग्जांपल है हनी बी का, आंट्स के अंदर भी मिलेगी और वास्प के अंदर भी मिलती है, ठीक है, ये एग्जांपल है। अभी देखो यहां पर होगा क्या कि जो बी है यहां पर फीमेल बी भी है, फीमेल बी और मेल बी भी है जिसको आप ड्रोन बोलते हैं। जो फीमेल बी है दैट हैव द 32 क्रोमोसोम, ठीक है, और जो मेल बी है उसमें कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 16 क्रोमोसोम होते हैं, 16 क्रोमोसोम ही होते हैं,
ये 2n की वैल्यू, यहाँ पर 2n की वैल्यू कितनी है, दैट इज ये आपकी 32। इधर अगर हम बात करेंगे तो ये जो ओरिजिन है इसको आप 2n लेके चलोगे तो यहाँ पर यही कंडीशन रहेगी। एक्चुअली में ये है 2n, बट यहाँ पर हम 2n इसको मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब b है जो वो किस में जाएगी, मियोसिस में जाएगी, और किसकी फॉर्मेशन करेगी, एग सेल की फॉर्मेशन करेगी। क्या बनाएगी, एग सेल बनाएगी। मियोसिस से बनी है तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना आ जाएंगे, 16 ही आएंगे। तो पहले थे 2n की वैल्यू 32, अब आ गए 16, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 16, ठीक है। अभी दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये एग फर्टिलाइजेशन में चला जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, ये दूसरा है कि फर्टिलाइजेशन क्या हो, अब्सेंट हो। तो जैसे मैं लिख दूं कि फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, और इधर मैं लिख दूं फर्टिलाइजेशन अब्सेंट, एक में प्रेजेंट और एक में क्या है, अब्सेंट। देखिए दोनों तरफ जो एग है 16 क्रोमोसोम वाले, दोनों तरफ जो एग है वो कैसे है, 16 क्रोमोसोम, ठीक है। अभी इस मेल बी में क्या होगा कि यहां पर स्पर्म बनेंगे, क्या बनेंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, ये बन गए स्पर्म। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि जो स्पर्म बनते हैं मेल बी के अंदर वो मियोसिस के बिना ही बनते हैं। ये एक्सेप्शन है जहां पर गैमेट बनने के लिए मियोसिस डिवीजन नहीं हो रहा, ठीक है। तो गैमेट फॉर्म विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस के ही हो रहा, ठीक है। तो कौन से डिवीजन से बनेगा, थ्रू द माइटोटिक डिवीजन। तो यहां पर मियोसिस तो है नहीं, तो कौन सा होगा, माइटोटिक होगा। अगर माइटोटिक डिवीजन है तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो 16 थे, यहाँ पर भी कितना आ गए, 16 ही क्रोमोसोम आ गए, 16 हो गए, ठीक। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम थे वही आए हैं, मियोसिस एब्सेंट है, माइटोटिक से बना। अगर मान लो ये दोनों फ्यूज हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए दोनों का, है ना, ऊपर लिखा हुआ है फ्यूजन हो जाए, दोनों जुड़ जाए, तो यहाँ पर टोटल कितना आ गए, 32 क्रोमोसोम आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2n की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 32 हो गई है, ठीक है। अब ये क्या बना, दैट इज द फीमेल लार्वा की फॉर्मेशन, दिस वन इज द फीमेल लार्वा, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना गए, 32 हो चुके हैं। और हमने पढ़ा था कि जहां पर 32 कंडीशन होगी क्रोमोसोम की, वो क्या बनाएगी, फीमेल की फॉर्मेशन करेगी। तो दिस वन इज द फीमेल लार्वा, ठीक है। अब ये फीमेल की फॉर्मेशन हो चुकी है, बट अब ये फीमेल एक नॉर्मल भी बनेगी, वर्कर भी बनेगी, या फिर क्वीन बनेगी, ये डिपेंड करेगा इसकी फीडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे, फीड ऑन, किसके ऊपर खा रही, अगर ये फीड करे किस पे, रॉयल जेली पे, ठीक है। रॉयल जेली जो एक तरीके से जो बी होती है उनके द्वारा तैयार करी जाती है जेली, जिसको आप रॉयल जेली बोलते हो, और दूसरी है बी ब्रेड, बी ब्रेड जो पोलन ग्रेन वगैरह का कम्बिनेशन है उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर ये फीमेल लार्वा रॉयल जेली के ऊपर फीड करने लग रहा है, तो नाउ दिस फीमेल लार्वा विल कन्वर्ट इनटू द क्वीन, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्वीन में, और जो कैसी नेचर की होगी, फर्टाइल नेचर की होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फीमेल लार्वा की फॉर्मेशन हुई थी वो वर्कर भी बनेगी या क्वीन भी बनेगी, वो डिपेंड करेगी उसकी फीडिंग के ऊपर। तो फीड करने के दो चांसेज है कि जो लार्वा बना है, फीमेल लार्वा बना है, वो अगर रॉयल जेली के ऊपर फीड करता है तो कन्वर्ट होगा किसमें, क्वीन के अंदर, जो फर्टाइल नेचर की होगी। अगर वही फीमेल लार्वा रॉयल जेली पे फीड ना करके बी ब्रेड जो पोलन ग्रेन से बनते हैं, से बनते, अगर इसके ऊपर फीड करने लग रही है तो
दिस फीमेल लार्वा विल कन्वर्ट इन टू द वर्कर बी. इधर क्वीन बी की फॉर्मेशन हुई थी और इधर क्या बनेगी, वर्कर बी. और जो वर्कर बी होगी दैट इज द स्टाइल इन नेचर, जिसका मेन काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नेक्टर कलेक्ट करना, पोलन ग्रेन कलेक्ट करना सिर्फ और डिफेंस करना, यही काम होगा. जबकि क्वीन पूरे छत्ते में एक ही रहती है, इसका जो मेन काम है वो है रिप्रोडक्शन या फिर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना. ठीक है, जब कभी भी छत्ते में क्वीन बी के नंबर बढ़ने लगते हैं तो वो छत्ता टूट के अलग हो जाता है, वो हाइव है वो टूट के अलग हो जाता है, और जहां जहां वो क्वीन बी जाएगी उसके साथ में वहां वहां पर वर्कर बी भी क्या करती जाएगी, मूवमेंट करती हुई चली जाएगी. ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी, फीमेल बी की फॉर्मेशन हो गई कि क्वीन या फिर वर्कर कैसे बनेगी. अभी बात आती है मेल की. इधर एग है, ठीक है, जिधर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, अब्सेंट होगा. तो एग तो है लेकिन ये किस में चला जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस के अंदर चला जाएगा. तो अंडरगो अंडरगो पार्थेनोजेनेसिस, और ये पार्थेनोजेनेसिस किसका टाइप है, दिस वन इज द इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है, अब ये एक इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस में जा रहा है तो यहां पर जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो कितने रहेंगे, 16 ही रहेंगे. ठीक है, तो अगर यहाँ पर 16 ही है भाई, क्योंकि मैंने बोला था कि जो 2n है उसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, 32. अभी यहाँ पर 16 है तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ये n हो गया. तो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि एक्चुअली में ये n कंडीशन ही है, बट अगर ये कंप्लीट हो गई तो आप इसको 2n मान सकते हो, बट एक्चुअली में जो इसकी रियल कंडीशन होगी दैट इज द n कंडीशन. ठीक है, तो दिस वन इज द n 16. तो यहाँ पर ये आ गया. अब ये जो बी बनेगी जिसके अंदर 16 क्रोमोसोम है, जो एग के पार्थेनोजेनेसिस से बना है, दैट इज द मेल प्रोजेनी, क्योंकि ये मेल प्रोजेनी. ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं, दिस वन इज द ड्रोन, जो कैसी नेचर की होगी, हैव द फर्टाइल नेचर, हैव द फर्टाइल नेचर. अब ये हो गया पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपका कि हाइव के अंदर मेल और फीमेल कैसे डेवलप होते हैं. अभी जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे करता हूँ, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. ठीक है, क्वेश्चन है कि मेल बी है ना, मेल बी डोंट हैव द फादर बट हैव द ग्रैंड फादर. जो मेल बी है उसमें फादर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है बट ग्रैंड फादर की इन्वॉल्वमेंट होती है. तब इसका आंसर देखिएगा, देखो ये मेल जो बी बने क्या इसके बनने में कहीं पे भी ऊपर मेल की इन्वॉल्वमेंट हुई है, आप देखो क्या कोई भी मेल की इन्वॉल्वमेंट हुई है, नहीं हुई है, क्योंकि जो एग था वो किस में गया, पार्थेनोजेनेसिस में चला गया और इससे एग की फॉर्मेशन हो गई. तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप यहां से देखोगे तो कहीं पे भी मेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फीमेल थी, एग की फॉर्मेशन हुई, पार्थेनोजेनेसिस में गई, मेल बन गया, तो कहीं पे भी मेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई. बट अगर मैं बोलूं कि इसकी फॉर्मेशन किस हुई है, फीमेल बी से हुई है, तो बेटा फीमेल बी को बनने के लिए तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, स्पर्म की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 32 क्रोमोसोम आने हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर स्पर्म की भी नीड हुई होगी, तो ये फीमेल तो तभी बनी होगी. तो इसके बनने के लिए स्पर्म भी चाहिए था और एग भी चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पर इस मेल का जो ग्रैंडफादर होगा वो इसको बनाने में काम में आया था. ठीक है, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है. आई थिंक शायद क्लियर होगा, मेल के बनने में फादर की इन्वॉल्वमेंट नहीं था क्योंकि ये डायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस से बना था, बट इसकी जो मदर है इसको बनाने के लिए तो मेल की रिक्वायरमेंट हुई होगी, तो इसलिए ऐसा पूछा जाता है. तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की तरफ से. मेल बी जिसको आप क्या बोलते हो, डोन बोलते हो, कई बार आपको डोन भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो मेल बी डोन डोंट हैव फादर
बट रिक्वायर ग्रैंडफादर, हाउ आपको बताना ठीक है। अगर हम आंसर की बात करें तो हम आंसर लिख सकते हैं बिकॉज ड्रोन या फिर मेल बी गेट डेवलप थ्रू पार्थेनोजेनेसिस। बाय एग ठीक है, बट इट्स मदर गेट डेवलप बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म ठीक है। और स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मेल की रिक्वायरमेंट होगी। एंड टू प्रोड्यूस द स्पर्म मेल या फिर ग्रैंडफादर विल रिक्वायर, इसकी क्या होगी, जरूरत होगी ठीक है। तो इसलिए याद है जो बहुत बार एग्जाम में पूछेगा। तो ये हो गया आपका हैप्लोडिप्लोइडी सेक्स डिटरमिनेशन हो गया ठीक है। इसके केस में अगर आप बात करोगे तो देखो कि जो 2N है वो कैसी है, फीमेल है, और जो N है वो क्या है, मेल है। तो जो 2N कंडीशन दैट इज फीमेल ठीक है, और जो N है दैट इज मेल। देखो मैंने आपको अभी भी जब बोला था, समझाया था कि यहाँ पर 2N की वैल्यू 32 है और यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए बोला था, वैसे आप इसको 2N बोलते हो लेकिन एक्चुअल में इसकी जो रियल कंडीशन होगी दैट इज द N ठीक है। तो इसलिए बोला था, तो ये हुई है। तो इसमें पार्थेनोजेनेसिस भी हो रही है भाई, पार्थेनोजेनेसिस हुई है ना बी के अंदर। तो पार्थेनोजेनेसिस में आप देखोगे तो मेल भी बन रहा है और फीमेल भी बन रहा है। तो वो पार्थेनोजेनेसिस जिसके अंदर दोनों तरह के सेक्स प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल, दे आर कलेक्टेड इन द इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। तो इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस ठीक है, इन विच बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर प्रेजेंट। तो इसके अंदर दोनों कंडीशन आ गई। इसी तरीके से आर एनाटॉमी में देखोगे तो वहां पर मेल कैसे रहेगा एन, और जो फीमेल रहेगी वो कैसे रहेगी, टू एन कंडीशन की रहेगी ठीक है। तो बेटा ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की थी अबाउट द जितने भी हमने फैक्टर लास्ट क्लास में पढ़े थे उन सभी को कंपेयर करके टेबल देखी, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते बनते हैं। और दूसरा हमने देखा यहाँ पर हैप्लोडिप्लोइडी सेक्स डिटरमिनेशन जो बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम से भी जरूर ठीक है। तो आई होप शायद आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बात करेंगे अबाउट द जेनिक बैलेंस थ्योरी जो ड्रोसोफिला के ऊपर एप्लीकेबल होती है, वहां पर हम इसकी बात करेंगे ठीक है। और कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं को चेंज करने के लिए वो भी हम यहाँ पर डील करेंगे ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे। आई होप शायद आज का वीडियो आपको ये पसंद आया होगा, जैसा भी लगा हो आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं ठीक है। चैप्टर अभी जस्ट कंप्लीट होने वाला ही है, मुश्किल से शायद 4 to 5 क्लास लगेगी। सेक्स डिटरमिनेशन के बाद में म्यूटेशन आता है और पे डिग्री एनालिसिस की बात आती है और क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी जो कुछ डिजीज है वो आती है। तो कुछ ही दिनों की बात है फिर चैप्टर कंप्लीट, बच्चे वेट करने लगे थे कि जी चैप्टर कब कंप्लीट होगा ठीक है।
तो जल्दी ही ये कंप्लीट होने वाला है, तो हैव ए गुड डे, अच्छे से इंजॉय करना, अच्छे से पढ़ाई करना, थैंक यू।